हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो आज जनता की आवाज़ जो हमने प्रोग्राम चला रखा है, उसमें हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, और इसकी जो हेडलाइन है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब देती है या उन बेरोजगारों से पैसा कमाती है। ये एक सोचने वाला विषय है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। साथियों, ये एनालाइज आपकी आंखें खोल देगा बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा विषय है कि गवर्नमेंट जॉब देती है या उन बेरोजगारों से पैसा कमाती है। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहे होंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। और इस विषय पर मैं आज गंभीरता से सोच रहा था, तो अभी मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की, हालांकि और जगह भी काफी देखा है मैंने, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। तो 2012-13 के बाद कोई पीआरटी वैकेंसी नहीं आई है हरियाणा के अंदर। अगर आप हरियाणा से हैं तो मेरी जो ये बातें हैं बिल्कुल समझ रहे होंगे और इनसे सहमत भी होंगे। इसके बाद 2012-13 के बाद कोई पीआरटी वैकेंसी नहीं है, तो 4-5 बार एचटेट परीक्षा क्यों हुई है? यह क्वेश्चन है कि अगर पीआरटी वैकेंसीज आई नहीं है तो 4-5 बार उसके बाद पीआरटी के लिए जो एचटेट होता है वो क्यों हुआ है। इसके बाद काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एचटेट जिन्होंने किया है, उनकी वैलिडिटी, एचटेट की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। उनका जो एचटेट है उनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। अगर गवर्नमेंट को जॉब ही नहीं देनी तो बंद करें एचटेट। अब क्वेश्चन यह कि अगर गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाहती तो ये एचटेट क्यों? क्या वो पागल है लोग? एक तो ऊपर से जॉब नहीं, ऊपर से उनके लिए एचटेट वो करते हैं, फिर उनको कोई जॉब नहीं दी जाती है। साथियों, इस विषय पर सोचने वाला कोई नहीं है, इतना कोई नहीं सोचता। लेकिन जो गवर्नमेंट की बोर्ड की चालाकी है वो पूरा एनालाइज मैं आपको बता देता हूं क्या है। गवर्नमेंट ने ये क्या कर रखा है, कमाई का जरिया बना रखा है। अब आपको बता देता हूं, अगर एक बार पीआरटी एचटेट होता है तो गवर्नमेंट के पास लगभग 7-8 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और जितनी बार एचटेट हुआ है, मैं ज्यादा नहीं, 30 करोड़ रुपए लगा लीजिए आप। हालांकि अब की बार तो फीस बहुत ज्यादा है, पिछली बार भी बहुत ज्यादा थी, तो एवरेज लगा के हम लगाते हैं कि लगभग पीआरटी के कितने आ गए, 30 करोड़। टीजीटी और पीजीटी वालों से पूरा खर्चा निकल सकता है गवर्नमेंट का, जो खर्चा होता है एस्टेट कराने में, टीजीटी और पीजीटी वालों से पूरा खर्चा निकल गया होगा। इसके बाद 30 करोड़ में से भी हम 9 करोड़ और गवर्नमेंट को कर देते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का खर्चा लग गया होगा। हम मानते हैं कि पीआरटी के 21 करोड़ रुपए बच गए गवर्नमेंट के पास। अब हम बात करते हैं 35,000 सैलरी लेने वाले, आप समझना, अगर गवर्नमेंट किसी एक एम्प्लॉय को 35,000 रुपए दे रही है तो आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी। 35,000 सैलरी पाने वाले 500 एम्प्लॉय को एक साल तक गवर्नमेंट इन पैसों से सैलरी दे सकती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के मन में क्या चल रहा है, बोर्ड के मन में क्या चल रहा है। और आपको बता देता हूं, पीआरटी की वैकेंसीज खाली हैं, काफी वैकेंसीज खाली हैं, काफी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस चीज के बारे में नहीं सोच रही। अब बात आती है कि जिन साथियों ने एस्टेट किया है क्या वो पागल हैं? गवर्नमेंट को उन बेरोजगारों का कोई दर्द नहीं दिख रहा, तो गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब ये साफ तौर पे है कि 21 करोड़ रुपए भी अगर हम मान लेते हैं
तो 35,000 सैलरी लेने वाले 500 इम्प्लॉयज को एक साल तक सैलरी मिल सकती है। मतलब 500 इम्प्लॉयज गवर्नमेंट के जो लगे हुए हैं उनको एक साल तक सैलरी मिलेगी इन पैसों से। तो साथियों, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए और आप लोग भी यूनिटी बना के रखें। मैं हरियाणा गवर्नमेंट की, अब की बार जो काफ़ी एग्ज़ाम हुए, पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद और भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं, और भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए, सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अध्यापकों के साथ ये गलत हो रहा है, इसे हम मतलब बहुत दुख होता है देख के। तो साथियों, आप भी अपने व्यूज जरूर दें कि ये चीज़ें आपके आसपास भी हैं या नहीं है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।